हेलो प्यारे बच्चों, एबीएस ऑनलाइन क्लास में आपका पुनः स्वागत। क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट साइंस चैप्टर सेकंड चल रहा है अपना। मैंने आपको तत्व और मिश्रण के बारे में बताया था। पहले तत्व के बारे में बताया था आपको मैंने। एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। तत्व क्या होते हैं भाई? एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ तत्व कहलाते हैं। और तत्व को हमने तीन भागों में बांटा था, धातु, अधातु और उपधातु। और पिछले वीडियो में मैंने आपको धातु, अधातु और उपधातु के गुणों के बारे में बताया था एक सारणी के माध्यम से। मिश्रण के बारे में बताया था आपको मैंने। जब दो या दो से अधिक पदार्थों को या यौगिकों को किसी भी अनुपात में जब मिलाया जाता है तो उससे बनने वाला जो पदार्थ है वो तो मिश्रण कहलाएगा, किसी भी अनुपात में। मिश्रण के आपको मैंने प्रकार ही बताए थे। दो प्रकार थे, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मीन्स जिसमें अवयव समान रूप से मिले हो, वो क्या कहलाएगा आपका? समांगी मिश्रण। जैसे नमक और पानी का विलयन, इनका मिश्रण बनाया जाए तो क्या कहलाएगा आपका? समांगी मिश्रण। विषमांगी जिसमें अवयव समान रूप से नहीं मिले होंगे वो क्या कहलाएगा आपका? विषमांगी। जैसे जल और रेत का मिश्रण, मिलते नहीं आपस में, आप मिलाएंगे उल जाएंगे, लेकिन कुछ समय बाद रेत नीचे बैठ जाती है, पानी ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं यौगिक की। यौगिक क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक तत्व परमाणुओं को निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनाया जाता है। अनुपात निश्चित होगा और संयोग कौन सा होगा आपका? रासायनिक। जो पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाएगा आपका? यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यौगिक। उन्हें देख लें, जब दो या दो से अधिक तत्वों या परमाणुओं को निश्चित रासायनिक संयोग में अनुपात होगा आपका, निश्चित अनुपात निश्चित है, रासायनिक संयोग से बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपका जल H2O, आप देख रहे इसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु हैं, ऑक्सीजन का एक परमाणु है। तो जब हाइड्रोजन के दो परमाणु मिलेंगे और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिलेंगे तो आपका जल निकाय यौगिक बनता है। किसका बनता है? जल का। इसे गुण देख रहे हैं आप लोग, जो भी आपका यौगिक बनेगा मूल तत्वों के गुण उसमें उपस्थित नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बन रहा है, आप जो यौगिक बना जल उसमें ना तो हाइड्रोजन के और ना ही ऑक्सीजन के गुण उपस्थित होंगे, मूल तत्व के गुण उपस्थित नहीं होते हैं। दूसरी बात, मूल परमाणुओं को यौगिक से अलग नहीं कर सकते हैं। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ने मिलकर जल बना दिया, अब आप सोचें कि जल में से हाइड्रोजन ऑक्सीजन को निकाल रहे, वो संभव नहीं है। मे बी पॉसिबल, संभव हो सकता है, वो आप आगे बताएंगे, लेकिन सामान्य रूप में आप जल में से H2O2 बाहर निकालें तो वो नहीं निकल पाएगी। देखिए, मिश्रण यौगिक में एक अंतर दिया है आपका। मिश्रण में बात होती है तत्व यौगिकों का मिलान केवल मिश्रण बनाने के लिए करते हैं। मिश्रण बनाने के लिए मिलेंगे, इससे नया यौगिक कोई नहीं बनेगा। जैसे जल और चीनी, आप दोनों को मिला दें, क्या बनेगा? वो शरबत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शरबत। यौगिक नया नहीं है, केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलाया है। इसमें क्या होगा? तत्व परमाणुओं की परस्पर क्रिया से नया पदार्थ बनता है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों मिले, क्या बन गया? जल बन गया। और आप देख रहे हैं अवस्था भी चेंज है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, जल क्या होता है आपका? लिक्विड, द्रव होता है। दूसरी बात, मिश्रण का जो संगठन है परिवर्तनीय होता है। संगठन में हम परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन इसका जो संगठन होगा स्थायी होगा, कोई परिवर्तन उसमें नहीं हो सकता है। एक बार बन गया तो बन गया, उन्हें संभव नहीं है। इसलिए बात है, मिश्रण उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्म दर्शाता है। जैसे मान लो आपने शरबत बनाया, शरबत किससे बनेगा? पानी से और चीनी से। ऊपर से उसमें शरबत डाल देते हैं हम लोग, तो जो शरबत बनेगा उनके गुणधर्म दर्शाएगा, पानी के भी, चीनी के भी और शरबत के भी। लेकिन नए पदार्थ के गुणधर्म पूरी तरह से समान होंगे, किसमें? यौगिक के अंदर। यानी यौगिक में आपको बताया मैंने, जल बना हाइड्रोजन ऑक्सीजन से,
और जल के अंदर ना तो गुण होंगे हाइड्रोजन के और ना ही ऑक्सीजन के, पूरी तरह से नया पदार्थ बन गया। जल के गुण क्या होंगे? पूरी तरह से बिल्कुल ही अलग होंगे। चौथा है, घटकों को हम भौतिक विधि से पृथक कर सकते हैं। अलग भौतिक विधि कई होती है, अब किरण है, क्रोमेटोग्राफी है, ऊर्ध्वपातन है, उनसे आप इनको अलग कर सकते हैं। इन विधियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे इसी चैप्टर के अंदर, लेकिन इसमें केवल विद्युत रासायनिक विधि के द्वारा ही हम इनको अलग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जल है उसमें से H2 निकाल ली, O2 निकाल ली। हाँ, ये संभव है। कहा हमने विद्युत रासायनिक विधि के द्वारा जल का जब विद्युत रासायनिक अपघटन किया जाता है तो हमको हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो जाती है, लेकिन प्रक्रिया लंबी है, प्रयोग करना पड़ेगा आपको। एक प्लास्टिक का ड्रम लेना पड़ता है, उसमें पानी भरेंगे और जो आपके बेकार सेल होते हैं उसके अंदर जब तोड़ने पर कार्बन की छड़ निकलती हैं, उनको कैथोड एनोड बनाते हैं। प्रणाली उनके ऊपर रखी जाती है, एक प्रणाली में ऑक्सीजन और एक में हाइड्रोजन मुक्त होती है। लंबी प्रोसेस है, एक प्रयोग के माध्यम से समझ में आएगी आपको, लेकिन सामान्य रूप में इसको अलग नहीं कर पाएंगे। केवल विद्युत रासायनिक विधि के द्वारा ही हम इसको अलग कर सकते हैं। धन्यवाद।